इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, शारदा चिटफंड केस में जेल में बंद तृणमूल कांग्रेस के निलंबित सांसद कुणाल घोष ने आत्महत्या की कोशिश की है। 3 दिन पहले कुणाल घोष ने अदालत के सामने धमकी दी थी कि अगर केस में शामिल प्रभावशाली लोगों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो आत्महत्या कर लेंगे। सूत्रों के मुताबिक कुणाल घोष ने नींद की गोली खाकर खुदकुशी की कोशिश की। कुणाल घोष शारदा चिटफंड केस में मुख्य आरोपी हैं। घोष पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नजदीकी माने जाते थे। 3 दिन पहले ही उन्होंने धमकी दी थी कि मैं रोज रोज से इस तरीके से केस से परेशान हूं, प्रभावशाली लोग हैं जो कि इस केस को अफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं आत्महत्या कर लूंगा, खुदकुशी कर लूंगा, और आज उन्होंने खुदकुशी की कोशिश की है। तो कुणाल घोष ने खुदकुशी की कोशिश की। शारदा चिटफंड घोटाला मामले में वो फिलहाल जेल में बंद हैं। 3 दिन पहले उन्होंने अदालत में धमकी दी थी कि इस मामले में जो प्रभावशाली लोग हैं अगर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाता तो वो आत्महत्या कर लेंगे, और आज जेल में उन्होंने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या की कोशिश की।